हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपकी क्लास टीचर अमिता शर्मा और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपने बुक्स खरीदी होंगी, है ना। तो आपको जो जिन बच्चों ने आपने बुक्स नहीं खरीदी अगर, तो आप बुक्स खरीद लीजिए, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं होंगी तो आपका असाइनमेंट नहीं जा पाएगा, है ना। तो आपको बुक्स खरीदनी है। और आपकी जो हिंदी की नोटबुक है बच्चों, वो 5 लाइन्स की बनेगी। ठीक है, हिंदी की नोटबुक 5 लाइन्स की बनेगी, है ना। और ये आपकी बुक है, हिंदी की बुक अक्षर लोक। एक ये बुक है हिंदी की अक्षर लोक, और दूसरी बुक है आपकी अक्षर रचना। ठीक है, तो ये 2 बुक हैं हिंदी की। और आज हम पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। ठीक है, तो पहले हम उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे स्वर को। तो मैं अभी आपको बोर्ड पर समझाती हूँ। ठीक है, पहले आप बोर्ड पर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बुक में रीडिंग कराऊंगी। ओके, तो बच्चों इधर देखेंगे आप सब। ठीक है, तो ये बनाया हमने सबसे पहले अ। ये क्या बना है? अ। आ से अनार। ठीक है, ये है अ। क्या होता है ये? अ। आ से अनार। अ के बाद आएगा आ। आ, ये क्या है? अ। और ये क्या है? आ। ठीक है, डिफरेंस देखो, अ आ। इसके बाद आएगा छोटी ई, छोटी ई। क्या है ये? छोटी ई। अ आ छोटी ई। छोटी ई के बाद आता है बड़ी ई। बड़ी ई, ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। ठीक है, ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, है ना। फिर से रिवाइज करो, अ आ छोटी ई बड़ी ई। बड़ी ई के बाद आएगा छोटा ऊ, छोटा ऊ। ये क्या है? छोटा ऊ। छोटे ऊ के बाद आएगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। ठीक है, जैसे ये छोटी ई है ना और ये बड़ी ई है, इसी तरह से ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। ठीक है, और बड़े ऊ के बाद आता है री से ऋषि। री से ऋषि, री से ऋषि। ठीक है, अब एक बार और रिवाइज करेंगे, आ से अनार। अ, ये क्या है? अ। अ से क्या होता है? अनार। अभी मैं आपको बुक में भी समझाऊंगी, ठीक है, तब आप देखेंगे पिक्चर। अ आ छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री। अभी हम ये स्वर है, अभी हम री तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इनको पहचानेंगे, अ आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री। ठीक है, अब हम बुक में से पढ़ते हैं। ठीक है, ओपन कीजिए अपनी बुक अक्षर लोक। ठीक है, अब हम बुक में पढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों आपने अपनी बुक ओपन करी ना, चलिए अब हम बुक में से पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि कौन से अक्षर से कौन सा शब्द बन रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ बोलेंगे आप, अ। क्या है ये? अ। अभी हमने पढ़ा था बोर्ड पर, क्या है? अ। अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार। और अ से क्या होता है बच्चों? अ से अचार, आ से अमरूद, आ से अदरक, है ना। अ के बाद आता है आ।
तो आ से क्या होता है? आम। आ से आम, आ से आलू, आ से आग, आ से आदमी। ठीक है, और आ से अनार, आ से आम। फिर आया छोटी, छोटी से इमली, छोटी से इमली, और छोटी से स्त्री, छोटी से इलायची, छोटी से इमारत। ठीक है, छोटी से इमारत, ये सब छोटी से होते हैं ना। और ये इसके छोटी के बाद आता है बड़ी, ये छोटी और ये बड़ी। बड़ी से क्या होता है? ईख। बड़ी से ईख, और क्या होता है बड़ी से? बड़ी से ईश्वर, बड़ी से ईंधन, बड़ी से ईंट। ठीक है, और ये छोटी, ये बड़ी, है ना। फिर ये क्या है बच्चों? छोटा ऊ। वेरी गुड। छोटे ऊ से होता है उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू, और छोटे ऊ से क्या होता है? छोटे ऊ से उपहार, छोटे ऊ से उठना, छोटे ऊ से उस तरह। ठीक है, और ये है बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन, और क्या होता है? बड़े ऊ से ऊंट, बड़े ऊ से उदबिलाव, बड़े ऊ से ऊन। ठीक है, अब उसके बाद आता है री। री से ऋषि, री से ऋषि। ठीक है, आज हम री से ऋषि तक ही पहचाने हैं ना हमने अक्षर, तो हम री से ऋषि तक ही पढ़ेंगे बुक में भी। ठीक है, अब ये बच्चों एक्सरसाइज है ना। इनमें क्या करना है आपको? चित्र देखना है, और ये तीन अक्षर लिखे हैं आपने अभी पहचानने सीखे हैं, तो आपको इन पर गोला लगाना है। ठीक है, ये होता है आ से आम। तो इसमें तीन अक्षर दे रखे हैं, है ना, तो इसमें हमें देखना है आ से आम कौन सा है। आ, ठीक है, तो ये है आ, छोटी छोटा ऊ, तो इसमें से आ कौन सा है? आ ये है ना, आ से आम। इस तरह से आ पर आप क्या करेंगे? गोला लगा देंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको ये पूरा एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और इन पर सर्कल लगाना है। फिर है चित्रों का सही अक्षर से मिलान करो। तो यहाँ पर बच्चों ये अक्षर लिखे हैं और ये चित्र बने हैं, जिस अक्षर से जो चित्र बनता है, ठीक है, उसको उससे मिलाना है ना। बड़ी से, बड़ी से ईख, तो ये बड़ी ई से ईख ये है, तो इसको इससे मिला देंगे। इसी तरह से आपको सारे अक्षर पढ़ने हैं। ये बड़ी ई, अ, छोटा ऊ, छोटी ई, री, आ, ऊ, है ना, ये आपको मिलाना है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको अक्षरों की पहचान हो रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बोर्ड पे समझेंगे कि आज हमको कॉपी में कौन सा वर्क करना है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों अभी आपने स्वर पढ़े ना, अ से री तक, है ना, बोर्ड पर भी और बुक में भी, है ना। अब हम आज अपनी नोटबुक में वर्क जो करेंगे वो है खड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन को हिंदी में बोलते हैं खड़ी रेखा। खड़ी रेखा कौन सी होती है? ये होती है खड़ी रेखा, है ना, सीधा खड़ी है इसलिए इसको बोलते हैं खड़ी रेखा। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंड कर रही है तो स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा। ठीक है, अब हम आज बनाना सीखेंगे स्टैंडिंग लाइन। ठीक, कौन सी होती है? देखो, जैसे ये डॉट है, ये डॉट है, आप इस डॉट पर अपनी पेंसिल रखेंगे और इस डॉट से मिला देंगे। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी खड़ी रेखा, है ना, तो ये बनी स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन है? स्टैंडिंग लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं? खड़ी रेखा। ठीक है, इसके बाद फिर आप डॉट पे रखेंगे, ये डॉट पे रखेंगे आप अपनी पेंसिल और इस डॉट से मिला देंगे, है ना, ऐसे। ठीक है, तो बनी खड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन। एक बार और, इस डॉट से इस डॉट पे मिलाना है ना, स्टैंडिंग लाइन। इस डॉट से इस डॉट पे मिला देंगे, है ना, स्टैंडिंग लाइन। अब आपको भी इसी तरह से स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बार बार बनाएंगे ना तो आपको बनानी आ जाएगी, और पेंसिल को आप टाइट करके पकड़ेंगे, ठीक है, जिससे आप ये जो लाइन बनाएंगे ये डार्क बनाएंगे। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन ऐसे। आपको अपनी नोटबुक में भी ये वर्क करना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में भी ये वर्क करना है। ठीक है, अभी मैं नोटबुक में भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आपकी नोटबुक 5 लाइंस की है, तो कौन सी लाइन में आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है, खड़ी रेखा बनानी है,
वो आपको मैं अभी समझाऊंगी कॉपी में, ठीक है। तो अब अपनी आप नोटबुक ओपन कीजिए, ठीक है, फिर मैं उसमें समझाती हूँ कि कौन सी लाइन में बनानी है। ओके, हाँ तो बच्चों अभी हमने बोर्ड पर क्या सीखा, खड़ी रेखा बनानी सीखी है ना, खड़ी रेखा अभी सिखाया मैंने। अब आपको मैं नोटबुक में दिखा रही हूँ, क्योंकि ये 5 लाइंस की नोटबुक है तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको डेट डालनी है, जिस दिन आप वर्क करेंगे वही डेट आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। मंथ मैंने ऑलरेडी डाल रखा है और ये ईयर है, ठीक है ना, ईयर भी डला हुआ है, डेट आपको डालनी है। इधर ग्रह कार्य और इधर आप ऊपर नेम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, और ये फर्स्ट असाइनमेंट है तो आप यहाँ पर फर्स्ट असाइनमेंट लिखेंगे, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट लाइन में खड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, और ये होती है आपकी खड़ी रेखा, है ना। अब मैंने यहाँ पर डॉट लगाया है, आपको ये वर्क होमवर्क में करना है, ठीक है, ये वर्क किस में करना है, होमवर्क में। मैं आपको दूंगी तो आपको ये करना है वर्क, तो इसको यहाँ से पहले हम 5 लाइन है ना ये बच्चों, हिंदी हमेशा सेकंड लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो डॉट यहाँ नहीं मैंने इसीलिए यहाँ पर लगाया है, ठीक है, यहाँ से। और ये जो बीच की 3 लाइन है ना, इनमें ही वर्क करना होता है, नीचे तक नहीं जाना है, ना ऊपर से स्टार्ट करना है ना नीचे तक जाना है, ठीक है। यहाँ से हम इस पर रखेंगे पेंसिल और इससे मिला देंगे स्टैंडिंग लाइन, ओके, इस तरह से बनाना है आपको स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा बनाई अपने, है ना, हमने बोर्ड पे सीखी है अभी, अब हम नोटबुक में कर रहे हैं इस वर्क को, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारा वर्क कंप्लीट करना है अपने आप, ठीक है, ये है खड़ी रेखा, इस तरह से आपको नोटबुक में वर्क करना है, ठीक है, खड़ी रेखा डॉट पे रखेंगे और नीचे वाले डॉट से मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ये है आपकी खड़ी रेखा। और आपकी बुक भी है अक्षर रचना, उसमें भी खड़ी रेखा का पैटर्न है, और वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी तो वो आपको करना है, ठीक है, ये स्टैंडिंग लाइन खड़ी रेखा, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको वर्क करना है, ठीक है। आप समझ गए ना किस तरह बनाना है आपको खड़ी रेखा, ठीक है, 5 लाइंस में इस तरह वर्क करना है, और 5 लाइंस की ही नोटबुक बनानी है, 2 लाइंस की नोटबुक कोई नहीं बनाएगा, ओके। हाँ तो बच्चों आपने आज स्वर पढ़ने सीखे है ना, उसको पहचानना सीखेंगे, और इसको बार बार अपनी बुक में पढ़ना है, और उसके बाद आपने नोटबुक में खड़ी रेखा बनानी है ना, मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके बाय, टेक केयर।